हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल जीनियस किड्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी सीखने की श्रृंखला में ये अगली कड़ी है। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने पिछले सभी वीडियो को देखा होगा और उससे कुछ न कुछ सीखा होगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैं और मेरा परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैं इसमें है कि शरीर के अंगों के नाम चुनकर सही जगह पर लिखना है। ये बच्चे का लड़के का चित्र दिया गया है, इसमें आपको अंगों को पहचानना है और लिखना है। इसमें देखिए ये बाल है, इसमें हमने आपका समय बचाने के लिए पहले से लिख रखा है। ये है बाल, इसको आप बाल लिख दें। फिर ये देखिए ये है आँख, यहाँ पर आँख लिख दिया है। ये देखिए कान है, यहाँ पर कान लिख दिया गया है। ये देखिए नाक पर है तो नाक लिख दिया गया है। ये देखिए दांत पर तीर है, दांत लिख दिया गया है। ये गर्दन पर तीर है, गर्दन पहले से लिखा हुआ है। ये कंधा है, कंधा लिख दिया गया है। ये देखिए अंगूठे पर है तो अंगूठा लिख दिया गया है। ये बाँह है, बाँह लिख दिया गया है। ये हथेली है, हथेली लिखा हुआ है। ये जांघ है, पहले से लिखा हुआ है। ये उंगली हो गई सब, तो ये उंगली हो गया। और ये देखिए ये टांग है, यहाँ पर टांग लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये छूटा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। ये वाला घुटना होता है, घुटना। और ये है तालू, देखिए तलुआ पैर के नीचे का भाग और ये पैर के ऊपर का भाग, ये पैर हो गया। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये तो पहले से ही आता होगा, लेकिन फिर भी आपको पहचान करके इसको अभ्यास करें। अगर कोई गलती भी हो गई तो आपको रिवीजन करने में आपको याद आ जाएगा। और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें जो अंग के नाम जो दिख रहे हैं और इसमें नहीं लिखा हुआ, उसे भी आप बोलकर अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आइए मेरा परिवार, इसमें क्या है, ये माँ है और माँ, ठीक। तो ये माँ है, माँ के पिताजी नाना जी कहलाते हैं और माँ के भाई जो है मामा जी कहलाते हैं। माँ की बहन होती है वो मौसी जी कहलाती हैं और माँ की जो माँ होती है वो नानी जी कहलाती हैं। और माँ की मामी जो होती है, मैंने कि मतलब माई के जो माँ है उनकी जो भाई हैं, उनकी जो भाभी हैं, उनको मामी जी कहेंगे। और जो माँ की जो बहनों हैं उनको मौसा जी कहेंगे, ठीक। और पिताजी क्या, ये देखते हैं। तो पिताजी के जो पिताजी हैं वो दादाजी कहलाते हैं और पिताजी के जो माँ हैं वो दादी जी कहलाती हैं। और पिताजी के जो बड़े भाई हैं उनको ताऊ जी कहते हैं और पिताजी के छोटे भाई हैं वो चाचा जी कहलाते हैं। और पिताजी के जो बहन हैं वो बुआ जी कहलाती हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए नाम लिखना है। मेरा नाम, आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम अगर अंकित है तो यहाँ पर अंकित लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका माँ का नाम पूजा है तो पूजा लिख सकते हैं। और पिता का नाम मान लीजिए मोहन है तो मोहन लिख सकते हैं। और अपने बहन भाई का नाम लिखना है, मान लीजिए आपका कोई भाई है उसका नाम अतुल है तो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। अगर कोई बहन है उसका नाम पिंकी है तो यहाँ पर आप पिंकी लिख सकते हैं। आप अपने अपने अपना अपना नाम लिखें, यहाँ पर माँ का नाम लिखें, पिताजी का नाम लिखें और अपने बहन भाई का नाम लिखें और यहाँ पर अपना फोटो चिपका है। और आपके सदस्य, परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी अगर फोटो है तो उसे भी चिपकाएं और इंजॉय करें।